आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो की वीडियो टाइटल है कनेडियन मिलिट्री वेबसाइट अटैक्ड बाय इंडियन हैकर। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत वन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि कनेडियन मिलिट्री की जो वेबसाइट है, नाउ अगेन जब मैं कहता हूं कनेडियन मिलिट्री तो हम यहां पर इनकी सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री वेबसाइट की बात कर रहे हैं जहां पर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों आती है। तो कनेडियन मिलिट्री की जो वेबसाइट है ये कुछ समय के लिए शट डाउन कर दी गई थी। बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि इंडियन हैकर्स ने ये किया था। नाउ मैं ये बता दूं ये कोई सरकारी हैकर्स नहीं थे, कुछ प्राइवेट लोग थे इंडिया में, कुछ ग्रुप्स हैं आप कह लीजिए, वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एस इंडियंस जो कनाडा की मिलिट्री की वेबसाइट थी इसको शट डाउन कर दिया था। और रीज़न क्या है, रीज़न देखिए, इन ग्रुप्स ने ये कहा कि कनाडा बेबुनियाद के आरोप लगा रहा है इंडिया पर और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको शरण भी दे रहा है, तो इसलिए कनाडा की जो मेन मिलिट्री वेबसाइट है इस पर अटैक किया गया। नाउ मैं ये बात ऐड कर दूं, जो रिपोर्ट्स अभी तक हमको बता रही है कोई डेटा नहीं चुराया गया, ऐसा नहीं किया गया कि कनाडा को कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, बस एक मैसेज सेंड किया गया है कि आपकी मेन जो मिलिट्री की वेबसाइट है ये हो गई शट डाउन, ये हमारी कैपेबिलिटी है, ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस इसके बारे में लिखे गए थे। हालांकि आप कनेडियन मीडिया का वर्जन देखोगे, ये यहाँ पे आप देख पाओगे कनेडियन न्यूज़ आउटलेट है CBC, ये लोग कह रहे हैं कि ना सिर्फ मिलिट्री जो पार्लियामेंट वेबसाइट्स है इन पर भी अटैक किया गया था, एक साइबर अटैक इसको ये लोग कह रहे हैं। एस इंडिया बेस्ड ग्रुप्स टारगेट कनाडा, ये जो कनेडियन मीडिया क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। सो यहां पे आप देख पाओगे कनेडियन मीडिया इस बात को लेकर प्रॉपरली अवेयर है कि कनाडा की जो इमेज है इंडिया में ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलमोस्ट। आप कह लीजिए ऑनेस्टली, आप मुझसे पूछो ना, जब मैं पहले पहले ऐसे आर्टिकल्स देखता था जहां पर ये लिखा होता था कि पाकिस्तान तो अब अतीत की बात हो गई, कनाडा इज इंडियाज न्यू नंबर वन एनिमी, मैं मानता नहीं था। बट इवेंचुअली मैं देख रहा हूं कि कनाडा के बारे में ना लोगों का पब्लिक परसेप्शन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, कि अब जो आम कोई हैकर है, कोई हैकर ग्रुप है इंडिया में जो इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, इमोशनल हैं, वो एक बार वो कह रहे हैं कि कनाडा की जो मिलिट्री वेबसाइट है ना इसको कुछ घंटे के लिए टेक डाउन कर देंगे। तो ऐसा सेंटिमेंट इंडिया में आना ये जस्टिन ट्रूडो का ही रिजल्ट है। और इसका इम्पैक्ट आप देख पाओगे, कनेडियन मीडिया कह रहा है के ओटावा जो कनाडा की कैपिटल है वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो लगातार इस टाइप के जो ये साइबर अटैक्स है फेस कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पे अभी कोई खतरा नहीं आया है, ये बात इन्होंने साफ साफ बोली है कि बिल्कुल जो हमारी आर्म फोर्सेस की वेबसाइट थी ये कुछ घंटे के लिए अनअवेलेबल कर दी गई थी, बाद में उसको वापस ये ले आए थे ऑनलाइन, मगर इस सब के अलावा कोई ब्रॉडर इम्पैक्ट अभी इनके सिस्टम पर नहीं हुआ है। और सिमिलर चीज देखी गई कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सिस्टम पे, जो इनका आप कह लीजिए लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसकी जो वेबसाइट है वहां पर भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो अगेन देखो, ऐसी जो न्यूज है ना कि इंडिया से कोई हैकर ग्रुप बाहर के किसी कंट्री को टारगेट कर रहा हो, वेबसाइट को मतलब कुछ प्रॉब्लम दे रहा हो, ये यूजुअली 90% देखने को आता है पाकिस्तान के केस में, कि कोई इंडियन हैकर ग्रुप है उसने जिम्मेदारी ली है कि पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट गेर दी या फिर वेबसाइट पे कम्प्लीटली जो टेक्स्ट है चेंज कर देते हैं, इंडिया का झंडा लगा देते हैं, दैट हैपन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कनाडा को टारगेट किया गया है, नहीं तो इससे पहले अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कनेडियन गवर्नमेंट के प्रति ये काफ़ी इनडिफरेंट एटीट्यूड था लोगों का इंडिया में, इंडिया को परवाह भी नहीं थी कि कनाडा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब तक इन लोगों ने ये बड़े आरोप लगाने स्टार्ट नहीं किए ना, तब तक आप कह लीजिए इंडिया में इतना गुस्सा नहीं आया कनाडा के प्रति। और इवन दो बाद में जस्टिन ट्रूडो ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अभी रिसेंटली आप अगर देखो कुछ घंटे पहले इन्होंने ये कहा था कि कनाडा बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के मामले में विद इंडिया, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव हो, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट है, हम बहुत ही सीरियस हैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने में, ये सब बातें ये लोग कह रहे हैं। बट पॉसिबिलिटी है कि जो डैमेज जस्टिन ट्रूडो ने किया है ना उसकी वजह से इवेंचुअली कनेडियन एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलियंस का लॉस हो, अभी तो नहीं, इमीडिएटली तो नहीं कहूँगा मैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे विद प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, हर साल इस पर आपको बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे, हर साल $8 बिलियन इंडियन स्टूडेंट्स पैसा लेकर इंडिया से ये चले जाते हैं कनाडा में। और सबसे सैड बात यह है
कि कई स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी कनेडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं जहाँ की डिग्री ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब आप कह लीजिए ना उस कॉलेज की खास बड़ी रेपुटेशन होती है, बस एक आपको टाइटल मिल जाता है कि जी कनेडियन कॉलेज है, आप कनाडा में पढ़े हैं, वहाँ से लोग डिग्री ले लेते हैं। तो लिटरली आप कह लीजिए कनाडा में ना डिग्री मॉल बने हुए हैं आज के समय, जहाँ पे आप जाओ आपको अच्छी बिल्डिंग्स दिखेगी, आप वहाँ पर करोड़ ऑफ रुपीज़ पे करोगे और उसके बदले में यू वॉन्ट गेट एनीथिंग एज वेल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यही बताता हूँ, साउथ एशिया में आप इकोनॉमी के हिसाब से देखो ना तो इंडिया के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे कंट्री कौन सा आता है? बांग्लादेश आता है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश के बिना रिलेशंस कनाडा के साथ बहुत ख़राब है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप ऐसे शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं इंडिया में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहते हैं, बांग्लादेश में ना ये लोग कहते हैं फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान को। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, उससे पहले ये था जी ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में ना बांग्लादेशियों पे जो अत्याचार हो रहे थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग पैसा नहीं भेजते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, डेवलपमेंट यहाँ पे कम होती थी, ये सारे मुद्दे उठाए थे शेख मुजीबुर रहमान ने। इसलिए आज भी ना बांग्लादेश के लोग उनको कहते हैं बंगबंधु। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इनजस्टिस को देखा और ये कहा कि ये गलत हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाद में इंडियन मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई, वॉर हो गई, बांग्लादेश टूट के अलग बन गया। मगर आप कह सकते हैं बांग्लादेश के फॉर्मेशन के प्रोसेस में शेख मुजीबुर रहमान का फंडामेंटल रोल था। मगर सैड बात ये होती है कि एक प्रो पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर था नूर चौधरी के नाम से, नूर चौधरी और कुछ और लोगों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन थे उसको गोली मार दी, उसकी असैसिनेशन कर दी। उसके बाद क्या होता है कि नूर चौधरी भागकर बांग्लादेश से कुछ और कंट्रीज में ट्रैवल करके भागकर ये पहुंच जाता है कनाडा में। आज के समय मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश के लोग ना नफरत क्यों करते हैं कनाडा से, क्योंकि कनाडा में नूर चौधरी एक कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा है, एक बंगले में रहता है, बहुत ज़्यादा इजी लाइफ है उसकी, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगता है कि गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है उसको, और कनेडियन गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्राडाइट करने को तैयार नहीं है टू बांग्लादेश। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भारत ने यह कहा था कि कनाडा सेफ हेवन है आतंकवादियों के लिए, बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इंडिया का साथ दिया और ये कहा कि कनाडा हैज़ बिकम ए हब फॉर मर्डरर्स, जो भी लोग खून करते हैं उनका एक हब बन चुका है। और अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं एके अब्दुल मोमिन, इन्होंने ये बात भी बोली कि कनाडा का जो रिफ्यूज़ल है टू एक्स्ट्राडाइट नूर चौधरी, द सेल्फ कन्फेस्ड असैसिन ऑफ बांग्लादेश फाउंडिंग फादर। नूर चौधरी ने कई इंटरव्यूज में कई रिपोर्ट्स में ओपनली क्लेम किया है कि हाँ मैंने शेख मुजीबुर रहमान को मारा था, और ये आदमी ना कनाडा में आराम से रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कई जो बांग्लादेश के लोग हैं वहां पर भी नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं, वो भी कितना एंग्री फील करते होंगे टुवर्ड्स कनाडा। तो मैं कहूंगा ना सिर्फ इंडिया, पूरे साउथ एशिया में ही मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग एंटी कनाडा सेंटिमेंट चल रहा है। और यहाँ पे ना मुझे जयशंकर साहब की एक बात याद आती है, रिसेंटली जयशंकर साहब यूएसए में गए थे टू एड्रेस द यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली, उसके बाद उनका एक अलग से इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने एक बात बताई कि यूएस समेत जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, प्राइमरली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आप कह सकते हैं, इन्हें एक बात देखना होगा कि ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, कई और कंट्रीज आते हैं, वहाँ पे ना इन देशों के प्रति जो मिस्ट्रस्ट है ये बहुत ज्यादा ना फैल जाए। मैं चाहता हूँ जो एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। Talking about the North-South divide, the fact is today, you know, the global South is very distrustful of the global North, the developed countries. They've had a very hard time in COVID, so it's useful for the US to have partners who frankly think well of the US and speak well of the US, often behind your back. तो बिल्कुल यूएस कनाडा समेत कई और जो कंट्रीज हैं इनको सोचना होगा कि इनका परसेप्शन ग्लोबल साउथ में कैसा बन रहा है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, अगेन मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ये साइबर अटैक जो हुआ है, जो वेबसाइट पर अटैक हुआ है, ये किसी आम जो एक आप कह लीजिए हैकर ग्रुप है उसने कंडक्ट किया है। तो कल को बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा होगा, इंडिया की तरफ से भी ऐसा होगा, तो ये जो कंट्रीज़ हैं। तो जी वीडियो की खत्म, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इंडियन हैकर ने कनाडा की मिलिट्री को हैक कर लिया। ये मैं सुना करता था कभी नॉर्थ कोरिया के बारे में, किम जोंग उन की जो कंट्री है उनके बारे में, कि उनके जो हैकर्स हैं, क्योंकि मैंने सर्च की कि यार इनका जो कारोबार चल रहा है
किम जोंग उन का मतलब इनका किस तरह जारी मिसाइल सिस्टम चल रहा है, या क्योंकि उन पर सेंक्शन इतने ज़्यादा हैं और सेंक्शन इतने ज़्यादा होने की वजह से उनमें तो कारोबार भी इतने ख़ास किस्म का नहीं है। तो मैंने वीडियोज़ देखी, नाट पर सर्च किया, सारा कुछ देखा, तो मेरे इलम कुछ ये चीज़ें आई कि उनके जो है ना हैकर्स बहुत मशहूर हैं, यहाँ तक कि वो यूएसए नहीं नॉर्थ कोरिया के उनके हैकर्स बड़े मशहूर हैं, यहाँ तक कि वो यूएसए की कंपनीज और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हैक करके पैसा निकालते हैं और उससे वो अपने सिस्टम और सारी फीडिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये अगर तो सच है, ये हकीकत है, तो ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया के हैकर्स की तरफ से। और ये हुआ कि उसकी वजह भी प्रशांत साहब ने बताया, इसका मतलब ये हुआ होगा ना, हैकर्स भी कुछ भी कर लेते हैं, हैकर जो कुछ भी अगर ये हुआ है तो ये वाकई में बहुत बड़ा एक इंडिया कनाडा की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। अच्छा, एक जो कुछ भी कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने उन्होंने एक बात ये भी की है कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। अब याद आ रहा है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें उसके साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। जैसा कि मैंने कल हमने वीडियो बनाई उस पर रिएक्शन किया, तो मुझे लगता था, मैंने कल भी ये बताया था कि कनाडा आने वाले वक्तों में मुझे हो सकता है कि माफ़ी ज़रूर मांगेगा, क्योंकि उसके इसके बगैर और कोई हल नहीं है कनाडा के पास। तो जैसे ये वीडियो देखी, ये किस्म की माफी है ना, जब ये कह रहा है कि हमें इंडिया के साथ टाइज करने हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये किस्म की माफी है। जब मैं तो कोई भी आदमी गलती कर बैठता तो वो डायरेक्ट अगर बोले नहीं तो कम से कम ये कह देता यार मैं इससे ना सही होना चाहता हूँ, सॉरी करने की बजाय वो ये कह रहा है, ये माफी है, टेस्ट करते हैं कि वो माफी मांगे, वो क्या बोलता है। लेकिन कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के इस मूव से इंडिया के लोगों और इंडिया गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भी है, इंडिया के लोग बड़े अगेंस्ट हो चुके हैं कनाडा के। नाम बदनाम होगा, कई लोगों के माइंड में आता होगा कि वाकई शायद इंडिया ने किया होगा, और जिस ट्रूडो के पास जो है ना प्रूफ नहीं है, अगर प्रूफ होता है तो फिर तो ठीक था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हर मसले का हल होता है बैठ कर बातचीत करना, टेबल टॉक, तो ये बैठ कर कर ले। अभी तक इसके पास इतने दिन हो गए हैं, तकरीबन इसको 4 महीने हो रहे हैं अभी, तो ये जून की बात है ना, 3-4 महीने हो गए, तो कोई इसके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ के बगैर इसने जो है ना छोटा छोड़ा बात की है, झूठ बोला है, तो इसको जो है ना मैं कहता हूँ माफी मांग लेनी चाहिए, माफी मांगने से कुछ बंदा जो है छोटा नहीं हो जाता। बिल्कुल सही है, ये दोनों मुल्कों के हैकर्स, इंडिया के हैकर्स के लिए क्या सोच है आपकी? अच्छा यार, अच्छा हैकर मेरे पास, हाँ तो सही है ना, किसी भी कंट्री के जो हैकर हमारे पाकिस्तान के भी है इंडिया में, हाँ तो क्या ये क्या होगा, हर कंट्री में होते हैं, हर पाकिस्तान का नहीं पता जिसने स्टेट बैंक का जो है डाटा हैक कर लिया था पूरा, वो किसी ने नहीं किया था, पाकिस्तान का एक हैकर है, उसने किया, इस्लामाबाद गूगल को भी हैक किया था, उसने किया था, तो वो बड़ा उसका नाम है, गूगल का नाम क्या, किसने उसका नाम नहीं आ रहा जहन में, इस्लामाबाद में हुआ था, नहीं यार बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, वहां पर उसने गूगल को हैक किया था, सुनने में आया है, पता नहीं सच है कि झूठ है, ये तो अभी कुछ यानी कि ना चल, ये सदियों की बात है, जो जब शुरू शुरू में गूगल बना था तब सुनने में आ रहा था, इसके बारे में सर्च नहीं किया, सुनी सुनाई बात, ये तो भी बात है ना, ये क्योंकि मेरा भाई जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज का ओनर वो था, जो उसके एक न्यूज के मतलब ना काफी ब्रांचेस थी पूरे पाकिस्तान में, उसकी ब्रांचेस हैं, तो वो जो ओनर है ना वो पहले कंगाल हुआ करता था, तो उसने हैक सुनने में हैक किया था, भाई बता रहा था मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसने हैक किया था गूगल को, तो गूगल ने मतलब ना उसको कहा था कि आप छोड़ेंगे तो आप को पेमेंट दी थी उन्होंने काफ़ी बड़ी पेमेंट, तो इस तरह की वो भाई स्टोरी सुना, मैं इसके बारे में ये काफ़ी पुरानी बात है, ये भी भाई ने आज से कम अज कम 8-10 साल पहले बताई थी, इसके बारे में मैंने सर्च को नहीं की, अगर आप में से किसी को इलम हो कि क्या वाकई ऐसा है, मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तान में इतना इंटेलिजेंट बनता है कि आज 10-20 साल पहले गूगल को हैक किया गया हो,
10 साल 15 साल नहीं, करने में कुछ भी हो जाता है, ये कोई नहीं है, क्योंकि वहां वो भी लोग खाना खा कर रात को सोते हैं, पाकिस्तान में भी खाने ही खाते हैं, को वो कोई और चीज नहीं खाते जिससे वो ज्यादा जो, लेकिन नॉर्थ कोरिया बड़ा मशहूर है मुझे इतना पता वो है, तो हैकर्स के लिहाज से नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा मशहूर है यार, हर कंट्री में हैकर्स होते हैं, हर कंट्री में। चलो जी, खैर ये बड़ा थ्रेट भी है और ये एक समझ है कि सिक्योरिटी ब्रीच भी है अपना कनाडा के लिए, हो सकता है कनाडा जो है वो सरेंडर कर जाए, अपने हथियार फेंक दे और इंडिया से हो सकता है माफी मांगे, मुझे लगता है कि ये किस्म की माफी थी। बिल्कुल ऐसे मिलता नहीं, मेरे नाटक साहब तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।